लंदन में बेखौफ घूम रहा भगोड़ा नीरव मोदी शिकंजे में आ गया है। बुधवार को लंदन पुलिस ने नीरव मोदी को गिरफ्तार किया। करीब 13 महीने पहले 13,000 करोड़ के पीएनबी स्कैम में भारतीय जांच एजेंसियों को नीरव मोदी की तलाश थी। इससे पहले सोमवार को ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोदी को आज वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत अब भारत में उसके प्रत्यर्पण को लेकर मामले की सुनवाई करेगी। इस बीच सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नीरव मोदी की संपत्तियों को बेचा जा सकता है। दरअसल बैंकों का 13,000 करोड़ लेकर फरार नीरव मोदी पिछले दिनों लंदन की सड़कों पर अपना लुक बदलकर बेखौफ घूमता दिखा था, जबकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। इसके बाद ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत के प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रत्यर्पण की अर्जी दाखिल करने के जवाब में यह अरेस्ट वारंट जारी किया था और अब नीरव मोदी की गिरफ्तारी हुई है। नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ब्रिटेन से प्रत्यर्पण का प्रयास करेगी। सूत्रों के मुताबिक अब भारत से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम लंदन के लिए रवाना होगी। नीरव मोदी मामले को लेकर सीबीआई और ईडी की टीम यूके अथॉरिटी और लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के संपर्क में है। ये मैं मानता हूँ कि जैसे मिशेल आया है, बाकी गैंगस्टर्स आए हैं, उसके साथ साथ तलवार आए है, सक्सेना आए है, प्रत्यार्पण तो इनका भी हुआ है, विजय मल्या का वो भी आने वाला ही है, और ऐसे आज गिरफ्तार किया है नीरव मोदी को, ये सबको आना ही पड़ेगा और देश का लूटा हुआ संपत्ति वापस देना ही पड़ेगा। बता दें कि बीते दिनों नीरव मोदी लंदन की सड़कों पर आराम से टहलता देखा था। नीरव मोदी को लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर खुलेआम टहलते हुए देखा गया था, जिसके बाद भारत में प्रत्यर्पण को लेकर बीते दिनों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने भी कहा था कि हम इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। लंदन में वो दिख गया, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको तुरंत भारत में ले आएंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। हमने ईडी और सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया है। अभी ब्रिटेन की ओर से जवाब आना बाकी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीरव मोदी को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार को घेर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, जो भी लोग भारत का पैसा लेकर भाग गए हैं उन्हें सरकार भारत लाएगी। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब इस ओर सरकार ने कदम भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।